दोस्तों हीरोपंती 2 का जो पहला ट्रेलर आया था वो मुझे कोई खास पसंद नहीं आया। जो गाने भी आए वो एआर रहमान के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन होती है हमारी उस पे खरे नहीं उतरे। एंड वी ऑल नो दैट टाइगर श्रॉफ इज अ ड्रीम डांसर, बहुत ही कमाल का डांसर है, बहुत ही प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एज ऑफ डेट। और मुझे लगता है कि उनके जो इंस्पिरेशन है राइटली एंड सो राइटली ही इज ट्रिमेंडसली इंस्पायर्ड बाय ऋतिक रोशन। और मुझे लगता है कि वो ऋतिक रोशन का ही ओहदा पाना चाहते हैं डांस में। सो आई थिंक इज अ फैबुलस डांसर एंड टाइगर इज अ फिनोमिनल एक्शन स्टार। लेकिन जो दूसरा ट्रेलर आया वो मुझे बहुत पसंद आया। दूसरा ट्रेलर लोगों को भी काफी पसंद आ रहा है, ट्रेड में भी काफी पसंद आ रहा है लोगों को। अब लोगों के मुंह से सुनने में आ रहा है कि हाँ भाई हीरोपंती अच्छी जाएगी। पहले लोगों का थोड़ा सा लूक वॉर्म रिस्पॉन्स था बिकॉज लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत थी हीरोपंती से, बिकॉज हीरोपंती 1 वॉज अ सरप्राइज हिट। और ये फिल्म और उसी फिल्म ने टाइगर को एक सॉलिड अराइवल दी और एक ब्रांड बनाया। और आने वाली फिल्मों ने जैसे बागी, खास करके बागी ने टाइगर को एक एस्टैब्लिश स्टार बना दिया और वॉर में हमें वो दिखाया कि टाइगर की कैपेबिलिटी कहां तक जा सकती है। और उसको अगर सही स्क्रीन या सही पोजिशनिंग मिले टाइगर को तो ही कैन डू वंडर्स। बागी 2 का व्यवसाय लगभग 170 करोड़ के आसपास हो गया था जो कि पूरे ट्रेड को शॉक कर दिया था कि कैसे ये फिल्म एक्शन फिल्म। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, टाइगर के आने के बाद एक्शन फिल्में फिर से वोग में आ गई हैं, बिकॉज टाइगर हैज बीन दैट वन एक्सेप्शन जो कि एक्शन फिल्में ही ज्यादा उन्होंने की है अपने करियर में। सो ये फिल्म जो है, जो टाइगर आज के डेट पे एक यंग सेलेबल बॉलीवुड के स्टार हैं जो कि एक बहुत ही रेयर कमोडिटी है आज के डेट पे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि ज्यादातर एक्टर्स जितने हमारे जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं या एक्टर्स हैं वो स्टार नहीं एक्टर के तौर पे जाना चाहते हैं। सो दैट मेक्स टाइगर अ वेरी स्पेशल स्टार फॉर बॉलीवुड, क्योंकि वो एक ऐसे टाइम में हमने एक स्टार क्रिएट किया जब कोई स्टार बनना नहीं चाहता, सब कोई एक्टर बनना चाहते। तो हीरोपंती 2 का चलना बहुत ही क्रिटिकल है, हीरोपंती 2। और ये क्या है कि ये जो हमारे 90s के स्टार हैं उनकी बाद की जो एक लीग है उसमें टाइगर इज वन ऑफ द लीडिंग द पैक्स। तो अब टाइगर श्रॉफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की लेनी होगी, उनको भी जाके बैटिंग करनी पड़ेगी, चौके छक्के मारने पड़ेंगे। आप ना कि सिर्फ सलमान, आमिर, शाहरुख, अक्षय, अजय देवगन पे ही आप डिपेंडेंट रहेंगे, यू हैव टू डिलीवर, द यंग गर्ल्स हैव टू डिलीवर, एंड दैट्स व्हाट मेक्स हीरोपंती 2 वेरी क्रिटिकल। और इसका चलना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, और जहां तक मुझे लग रहा है पिक्चर को चलनी चाहिए। दूसरी फिल्म जो बहुत ही क्रिटिकल है दोस्तों वो है अगले 13 तारीख को, 2 हफ्ते बाद हीरोपंती के, वो है आपको जयेश भाई जोरदार। दोस्तों रणवीर सिंह इज अ टेरिफिक टैलेंट, मतलब आप रणवीर में कोई फ्लॉ नहीं निकाल सकते, बहुत ही कमाल के एक्टर है। और मुझे लगता है उनका रियल पोटेंशियल जो है वो मासी फिल्म्स में, वो बड़ी पिक्चरों में है, और वो ही इज मोर ऑफ एन एंटरटेनर देन एन एक्टर। और सैडली बॉलीवुड में ज्यादातर उनको एज एन एक्टर प्रेजेंट किया गया है, एंड देयर ऑल्सो ही हैज डिलीवर्ड अमेजिंगली। जितनी उनकी फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटी है, जितनी वो ऑफ स्क्रीन जितना उनका फ्लैम्बॉयंट पर्सोना है, उनकी एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें वो डांस कर रहे थे अपने किसी फंक्शन में, ही वॉज अमेजिंग। उस एनर्जी को, उस मैनिक एनर्जी को मुझे लगता है कि आज तक पर्दे पे एक बार आपको खिलजी के रोल में थोड़ा थोड़ा देखने को मिला था, बट वो बहुत कैरेक्टर ड्रिवन था। लेकिन सिम्बा में हमको देखने को मिला था वो मस्ती, वो ये। लेकिन मुझे सिम्बा में भी लगा था कि रोहित शेट्टी ने रणवीर को पकड़ के रखा हुआ था। Someone just needs to let Ranveer Singh loose. और मैं आपको बता रहा हूं, he will bring the houses down. उनके पास इतना raw energy है। हमने बहुत बार देखा, मैंने अपने पहले की वीडियो में भी कहा है, गुंडे में मुझे झलक देखने को मिली थी, लेकिन sadly उनको masses के लिए, masses के साथ connect करने के opportunities नहीं दिए जा रहे। He's been denied those opportunities and Tiger has got those opportunities to impress the masses. And let me tell you that रणवीर सिंह अगर आप उनको खुला छोड़ देंगे वो कमाल कर सकते हैं। जयेश भाई ऑल्दो इज अ मोर ऑफ अ मल्टीप्लेक्स अपीलिंग फिल्म, लेकिन मेरा मानना, जो मुझे भी ट्रेलर को एक बहुत इंप्रेसिव नहीं लगा था दोस्तों, यूनिवर्सल अपील नहीं लगी थी, लेकिन जो गाना आया है उसमें कुछ थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। और मुझे लग रहा है कि रणवीर की प्रेजेंस होपफुली फिल्म को एक अच्छी ओपनिंग दिला दे। और मुझे जरूरी ये है,
कि रणवीर की पिक्चर देखने लोग आए और रणवीर को एक ड्रॉ लगे और रणवीर को ओपनिंग दिला सके फिल्म को, ताकि फिल्म आगे दौड़े और फिल्म वर्ड ऑफ माउथ में चले। और मेरा पूरा मानना है कि रणवीर हैज ऑल द पोटेंशियल्स और बॉलीवुड की ही इज वन ऑफ द लीडिंग है आज के डेट पे वो, और वो 90s के स्टार्स के बाद जो बर्डन उठा रहे हैं टाइगर के साथ में, नाउ रणवीर हैज टू डू द हैवी लिफ्टिंग एंड ही हैज बीन डूइंग इट frequently, consistently, and let's just pray that he delivers huge with Jayesh Bhai Jodhar और एक अच्छी हिट फिल्म मिल जाए हमें जयेश भाई जोधार में। दोस्तों जो तीसरी फिल्म है जिसका ट्रेलर आज रिलीज हुआ है, भूल भुलैया 2 का, भूल भुलैया 2 का ट्रेलर मुझे बहुत ही धमाल लगा है। आई हैव रियली एंजॉयड द ट्रेलर और मुझे ट्रेलर में खास करके अनीस बज्मी इज अ मास्टर, मतलब अनीस बज्मी साहब एक कमाल के कमर्शियल डायरेक्टर हैं, उन्होंने कमाल के हिट्स दिए हैं और उन्होंने जो फिल्म का जो भूल भुलैया का मेन एसेंस था ना उसको उन्होंने पकड़ लिया, हरे राम हरे कृष्णा को उन्होंने पकड़ लिया है और वो जब भी ट्यून बजेगी ना थिएटर में मजा आएगा। और जो फिल्म की उन्होंने फील रखी है, मंजुलिका का नाम रख दिया तो इतना बढ़िया से कनेक्ट कर गया पहले पार्ट से कि अब ये एक मैंडेटरी व्यूइंग हो जाएगा सारे ऑडियंसेस के लिए, मासेस एंड क्लासेस के लिए, क्योंकि हॉरर फिल्में बॉलीवुड में बहुत कम आती है और एक फुल ब्लोन यूनिवर्सल अपीलिंग ब्रॉड ऑडियंस को अपील करने वाली हॉरर फिल्म बहुत ही रेयर आती है। आपको लास्ट टाइम याद होगा कि स्त्री ने क्या कमाल का बिजनेस किया था, 100-125 करोड़ का बिजनेस कर गई थी स्त्री विद अ वेरी स्लो स्टार्ट बीइंग अ हॉरर कॉमेडी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि भूल भुलैया के बेस पे बैठी हुई है ये पिक्चर जो कि 2007 में आई थी मेरे ख्याल से, और उसके बाद ये फिल्म आ रही है आज के डेट पे, तो यू कैन इमेजिन कि 15 साल का गैप है, भूल भुलैया की कल्ट फॉलोइंग कितनी बढ़ चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कार्तिक आर्यन इज ऑल्सो वन ऑफ दिस लीडिंग बॉलीवुड एक्टर्स स्टार्स जिन्हें मुझे लगता है कि स्टार पोटेंशियल है कार्तिक में, बिकॉज कार्तिक का पर्सनैलिटी कल्ट है, कार्तिक की लोग पर्सनैलिटी और कार्तिक को लाइक करते हैं, कार्तिक आर्यन को लोग पसंद करते हैं जो उनकी फिल्में आती हैं, प्यार का पंचनामा हो या सोनू की टीटू हो और या फिर उनकी वो फिल्म हो लुका छिपी हो, तो ऑल दीज फिल्म्स दैट ही हैज डन ही हैज हिज रॉ स्टारडम हैज अपील्ड और मुझे लगता है कि इसमें भी वर्क करेगा। तो ये तीन फिल्में जो हैं दोस्तों ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं बॉलीवुड के चलने की, बिकॉज यू नो दीज फिल्म्स नीड टू वर्क एंड दीज फिल्म्स नीड टू वर्क बिग। मुझे लगता है इन तीनों का हिट होना बहुत जरूरी है और ये हमारे यंग एक्टर्स के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही कमाल का चीज होगा और मुझे लगता है कि तीनों की वाइब्स अच्छी आ रही हैं। सो होपफुली ये जो हमारे यंग स्टार्स हैं, यंग गन्स हैं जिनपे अब लोड आने वाला है पूरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, वो डिलीवर करेंगे, ओपनिंग लगाएंगे तीनों पिक्चरों को और कमाल का बिजनेस आए। तो यस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि तीनों फिल्में कमाल का बिजनेस करें और तीनों स्टार्स को मेरे तरफ से मतलब वो ऑल द बेस्ट और बधाई कि होपफुली दे विल डिलीवर व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग देम टू। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है इन तीनों पिक्चरों के बारे में, कौन सी चलेगी, क्या चलेगी, क्या बिजनेस लगता है। सो वी विल हैव अ हेल्थ डिस्कशन ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो थैंक यू।